खरीदा लेंगे अनुसूची। क्या वाली सूची है संविधान में? वर्तमान के बारे में शुरू में क्या लिखते चलिएगा इसमें, बता रहा है कुछ ऐसा है नहीं जाना पर आएगा पॉइंट वहां पर बताते चलेंगे। पहले एक पॉइंट लिखिएगा पहला कि नहीं वैसे नहीं पहला एक पॉइंट लिखिए कि शुरुआत में तो क्या बोलते हैं जिसको कौन सा कथन बोलते हैं किस लाइन में कि शुरुआत में आठ है अनुसूचित संविधान निर्माण। हाँ मूल संविधान देखिए मूल संविधान में आठ अनुसूचियां थी। दूसरा लिख लेंगे वर्तमान संविधान में नए वाला लोग समझ में आ रहा है जी करना समझ में आएगा बोलते रहिएगा कि हमें एक का उसका पर्सनली देख नहीं सकते हैं चेहरा तो देख ना रहे वो सकते पर्सनली ढूंढे लाते हैं हमको पूरा मीट खोने पड़ता है तो जिनका दिक्कत होगा डायरेक्ट बोलते रहिए शर्माइएगा ना शर्माइला तो फिर सदी में ठीक है। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची शर्माया तो साथ में बीवी तो देवी करेगी बीवी के सहेलियों ने आएगी इस पास उसने शर्माना छोड़ दी। ये तो आपका दो दो ऐसे मेल हो गया भाई का करके आठ वाले सूची 12 वाले सूची है उसको लिखते चलिएगा ठीक है। लिखेंगे पहला अनुसूची लिखेंगे प्रथम अनुसूची करके जो जानते हैं वो आराम से ध्यान से खाली सुनिएगा और जो बिल्कुल नहीं जानते हैं वही सबसे बढ़िया जानेंगे। पहला में क्या है चलिए आप लोग बोलते चलिएगा हम लिखते चलेंगे पहला बताइए भारत जो है राज्यों का संघ होगा यही उसी प्रश्न भारत राज्यों का संघ होगा ठीक है। दूसरा में क्या है दूसरा अनुसूची मतलब जितने भी हमारे यहाँ के उच्च अधिकारी होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोकसभा ये सबके अध्यक्ष वगैरह चाहे हमारा सीएजी वगैरह है वो सबका वेतन भत्ता जो है कहाँ पर मिलेगा वेतन भत्ता इसका एक उपाय बताएंगे ठीक है छोड़िए पहले इसको उपाय जानने से पहले ये कहानी सुनाते हैं अपने आप याद रखना। दूसरा हो गया तीसरा चौथा पांचवा छठा पहले कहानी सुन लीजिए उसके बाद निकालते हैं 7, 8, 9, 10, 11 और 12 देखो कहानी सुनिए ठीक है कहानी सुनाते हैं देखिए किनका नाम यूज करें जी बताइए तो सबसे बड़ा बेरोजगार कौन है जी बोल दे हैं और क्या भाग गए जी भाग गए चलिए सबसे बड़ा बेरोजगार हम अपने आप को ले लेते ठीक है ये महारानी बन के बेरोजगार बन गए चुप रहिए पापा के पढ़ी नहीं का चंद बेरोजगार कहानी सुनिए उसके बाद फिर अपने आप ही आदमी बन देखिए मान लिया जाए कौन हम हैं ठीक हम बिल्कुल एकदम बिंदास बेरोजगार हैं अब हमको जरूरत है काम का ठीक है अब काम की जरूरत है काहे कि अब घर के भरोसे रह नहीं सकते और घर वाला हमको निकाल के भगा दिया कि नालायक है किसी काम का नहीं हम नालायक है तो हम करेंगे क्या हमको घर से तो क्या क्या घर से दिया गया भगा यानी कि निकाल दिया अब घर से निकाला गया तो हम कहीं ना कहीं भटकेंगे
इधर ना उधर, उधर ना उधर, एक जगह से दूसरा जगह भटकेंगे। यानी कि मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति जो घर से निकाला गया वो भटकेगा, कहाँ भटकेगा, तो राज्य के किसी भी, देश के किसी भी कोने में जाएगा, देश के किसी भी कोने में जाएगा, यानी कि वो भटकेगा। और भटकेगा तो भटकने के बाद उसका रोजगार की जरूरत होगी। एकदम ध्यान से सुनते चलेगा कहानी को, ठीक है, बाकी पूरा आपको एक खुद याद होगा। मान लीजिए हम भटक रहे थे, भटकते भटकते किसी राज्य में पहुंच गए, राज्य हम मान लेते हैं महाराष्ट्र ले लेते हैं, ठीक है, बिहार वाला जाता है महाराष्ट्र जाता है, महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में गए तब हमको काम की जरूरत है, और काम की जरूरत है, हम किसी भी कंपनी में चले गए। कंपनी में चले गए तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज के लिए, पैसा के लिए। किसके लिए बात करेंगे, पैसा का बात करेंगे। सबसे पहले हम पैसा का बात करेंगे, काम धाम जो भी हो बात करेंगे पैसा का। अब पैसा के लिए बात करेंगे तो होगा ये कि जो कंपनी रहेगा, कंपनी का जो मैनेजर रहेगा वो कहेगा कि ठीक है हम पैसा तो देंगे, इतना पैसा देंगे, ठीक है, मगर क्या गारंटी है कि तुम मेरा यहाँ काम करते रहोगे, क्या गारंटी है कि तुम मेरे यहाँ काम करते रहोगे। तो हमको जरूरत है पूरा, तो हम बोले सर है काहे आप टेंशन ले रहे, आप पैसा कीजिए, शपथ ले लीजिए, मतलब कि एफिडेविट जो होता है, आप एफिडेविट एक कागज बना लीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, हम शपथ ले लिए, हमको एक एफिडेविट कागज बनवा दिया, शपथ करवा दिया कि तुम किसी भी हर हाल में भागोगे। क्या हो गया, किसी भी कारण से हर हाल में भागोगे। अब हर हाल में भागोगे नहीं तो ये शपथ तो दिला, अब शपथ दिला दिया तब हम कहाँ रहेंगे, उस राज्य के अंतर्गत रहेंगे, यानी कि राज्य के अंतर्गत रहेंगे, यानी कि हमारा उससे रिलेट कीजिए राज्यसभा को, ठीक है। अब हम किस राज्य के अंतर्गत हैं, महाराष्ट्र के अंतर्गत हैं, ध्यान से सुनते चलेंगे। हम घर से निकले, पूरे राज्य यानी कि देश घूमे, देश घूमने के बाद एक कंपनी ज्वाइन किए, कंपनी ज्वाइन किए वहां पर सबसे पहले हम वेतन का बात किए, वेतन जो भी मिला उसके लिए कंपनी ने हमें पहले बोला कि ठीक है हम पहले शपथ लो कि हम तुम्हारे यहाँ काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तब हम उस राज्य का एक निवासी के रूप में वहां पर चले गए। अब राज्य के निवासी के रूप में चले गए तो जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे उस कंपनी में ज्यादातर लोग छोटे छोटे कैटेगरी के लोग थे, यानी कि छोटे लोग थे, छोटे लोग थे, यानी कि कौन सा, SC ST, कौन, SC ST। हम समझ लीजिए कि मान लीजिए हम कोई बड़े घर के हैं, यानी कि बड़े कास्ट या बड़े लोगों से, और वहां पर वो कंपनी जो था वो पूरा का पूरा SC ST लोगों का, यानी कि छोटे लोगों का भरा था, सबसे ज्यादा वही लोग था, तो छोटे लोग था, तो छोटे लोग था, तो हमको जो ये मैनेजर था वो मैनेजर बोला कि देखो तुम आए हो बाहर से, ऊपर से तुम बड़े लोग हो, मतलब कि बड़े जाति के लोग हैं, ये लोग जो है थोड़ा अड़ियल होता है, क्या होता है, अड़ियल होता है, छोटे लोग हैं ये लोग, फिर सरकार भी जल्दी केस नहीं करता, इसलिए वो आकर के हमको समझाया कि तुम आराम से रहना, बस अपने काम से काम रखना, ये लोग से भिड़ने का जरूरत नहीं। हम बोले ठीक है, हम बोले उसको कि सर ऐसा कीजिए ना, हमको इसके साथ काम न दे करके हमको ऐसा कीजिए कि कहीं घूमने वाला अगर ट्रैवलिंग वाला काम है तो वो दे दीजिए। वो बोला ठीक है, तो ऐसा करो तुम बाहर ही काम करो, यानी कि फील्ड वाला काम करो, फील्ड वाला काम करो तो कैसा काम करो, तो तुम जाओ अमेर मित्र, मतलब असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, तुम जाओ घूम के आओ, चारों राज्य है वहां घूम के आओ, ठीक है। घूमने गए तो वहां पर जैसे ही हम जाने वाले थे तो ये फिर से मैनेजर हमको बोला कि देखो तुम जिधर जा रहे हो, जिधर तुमको भेज रहे हो वहां वाला, तो देखे होंगे ना असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी के लोग क्या होता है, छोटा छोटा होता है, ठिकना होता है, बड़ा मारता है, कुत्ता जानवर आदमी सबको पकड़ पकड़ के खा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमको क्या हुआ, हमको उस चार राज्य के अंतर्गत बोला कि कहीं भी तुम जाओ पूर्वोत्तर क्षेत्र में घूम के, ठीक है। तो जब हम घूमने गए तो अब वो बोला मैनेजर, अब हमको कहा कि एक काम करना, तुम जिस भी राज्य में जाओगे, ये चार राज्य आपका है, ये जिस भी राज्य में जाओगे वहां से तुम सूची बनाते आओगे, क्या बनाते होगे, सूची बनाते होगे कि कौन कौन से राज्य में तुम जा चुके हो, किस दिन कौन से राज्य में प्रवेश किए, मतलब सारा रिपोर्ट होगा, ठीक है। यानी कि एक दिन हम असम गए तो असम का रिपोर्ट तैयार करोगे, कौन से होटल में रहा, कौन से ट्रेन से गया, कहाँ पर रुका, मेघालय में जाओगे वहां का बताओगे कौन से राज्य में गया, कहाँ गया, कैसे गया, इस तरह से। हम बोले ठीक है सूची बना देंगे, सूची तो बना देंगे, मगर अब बात हमको समझ में आया कि सूची तो बना रहे हैं, हम प्रत्येक राज्य में जा रहे हैं, अब प्रत्येक राज्य का भाषा अलग अलग है, क्या है, प्रत्येक राज्य का भाषा अलग अलग है, यानी कि अब हमको उस राज्य का क्या करना पड़ेगा,
भाषा सीखना पड़ेगा, राइट। प्रत्येक राज्य का अपना अपना भाषा है तो हमको भाषा सीखना पड़ेगा। ये तो शुरुआती के आर्ट हो गए। अब शुरुआती के आर्ट होने के बाद क्या होता है कि यहां से भाषा हम सीखे, भाषा सीखते सीखते जब आगे बढ़ रहे थे इसी बीच में हमको एगो से हो गया झगड़ा। क्या हो गया? एगो से हमको हो गया झगड़ा। किससे? तो भाषा जब हम सीखे, भाषा सीखने के बाद हमारा हो गया झगड़ा, और झगड़ा हो गया फिर भी हम सोचे कि ना अब हमको ये इस जगह पे बार बार हमको यही आना ही है। अब आना है तो हम क्या करेंगे, यहीं पर हम क्या करते हैं, जमीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यहीं पर हम जमीन ले लेते हैं। कहाँ पर? तो पूर्वोत्तर राज्य है ये है, मतलब वो चार राज्य जो है आसपास में, तो किसी एक जगह पर मिडिल पॉइंट समझ के, जैसे कि असम जो है सबको पकड़ के रखा, तो मान लीजिए हम असम में जाके जमीन ले लिए, ठीक है। अब असम में जमीन ले लिए, तो जमीन ले लिए तो हो गया लफड़ा कि ये बिहार का है, महाराष्ट्र के कंपनी के माध्यम से आया है और कहाँ पे जमीन ले रहा है, असम। हम किसी भी उधर के बिहारी वाले को बसने नहीं देंगे पूर्वोत्तर राज्य। इसके लिए क्या हो गया, भूमि के लिए हमारा विवाद हो गया। कितना नंबर है? 9 नंबर है ना। भूमि के लिए हमारा क्या हो गया, विवाद हो गया। कहां पर? वहां पर असम के अंतर्गत। जब विवाद हो गया तब विवाद हो गया तो अब समझ में आया, विवाद को छुड़ाने के लिए असम के कोई क्षेत्रीय लोग आए, क्षेत्रीय नेता लोग आए, ठीक है। असम के क्षेत्रीय नेता लोग आया और क्षेत्रीय नेता लोग आया और वो कहा कि ऐसा कर, तुम महाराष्ट्र के कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, हो तुम बिहार के, एक काम करो, तुम ऐसा करो कंपनी छोड़ दो, कंपनी छोड़ दो और तुम सीधे असम का जो व्यापारी है उससे हम मिलवा देते हैं, असम के कंपनी वाले से मिलवा देते हैं, तुम महाराष्ट्र वाला कंपनी को छोड़ करके असम का कंपनी ज्वाइन कर लो। क्या कर लो? असम का कंपनी ज्वाइन कर लो, यानी कि अब अपना दल बदल लो। क्या करो? अपना दल बदल लो। बोले ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा। कहा कि मजबूरी है, मेरे पास मेरा सपोर्ट में कोई नहीं है, हम बस रहे हैं असम के तरफ, असम में और कोई है नहीं, तो हम जमीन तो ले लिए, हमको रहना भी यही है, तो अब क्या करेंगे, हम पार्टी बदलेंगे। मगर फिर भी हम पार्टी बदले ना बदले ये सोच करके हमारे ऊपर दोनों तरफ से झगड़ा हो गया, यानी कि असम के व्यापारी और इसके व्यापारी, यानी कि जो महाराष्ट्र वाला था, महाराष्ट्र वाला बोला कि अगर तुम दल बदलोगे, अगर तुम दल बदलोगे तो हम क्या करेंगे, पंचायती बैठा देंगे, मतलब कि असम वाला और महाराष्ट्र वाला दोनों मिलकर के पंचायत करेगा। सबसे पहले क्या होता है, छोटा लेवल से काम होता है समझौता सुलझाने के लिए, तो समझौता सुलझाने के लिए जब बात हो रहा था तो क्या बोला कि हम क्या कर देंगे, पंचायत बैठा देंगे, बैठक लगा देंगे। क्या कर देंगे? बैठक लगा देंगे। अब बैठक में पंचायत में इस मामला नहीं सुलझा, और मामला नहीं सुलझा तो और अपर केस चला गया, यानी कि ऊपर पार्टी पे चला गया, और ऊपरी पार्टी में गया तो क्या हुआ, कौन सा, नगर पालिका के पास चला गया। बस समझ गए, ये हमारा कहां चला गया, सबसे ऊपर पार्टी में चला गया, यानी कि पंचायत के ऊपर नगर पालिका होता है, तो वहां के नगर पालिका से हम समझौता हम लोग करवा रहा था, हमारा कहां हो गया, नगर पालिका। क्लियर है यहां तक? कहानी समझ में आया? बहुत सारा नहीं है। इस कहानी को समझने के लिए आपको अपने आप से रिलेशन बनाना होगा, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्टर खुद को इमेजिन कीजिए, हम ठहरे बेरोजगार, घर से माए बाप दिया निकाल, अब घर से माए बाप निकाल दिया तब हमको कहीं ना कहीं भटकना पड़ेगा, और भटकना पड़ेगा तो जैसे ही हम भटकेंगे, अब हमारे पास कुछ है नहीं, माए बाप पैसा देके भेजा नहीं, तब हमको सबसे पहले जरूरत है, भूखा प्यासे हमको जरूरत है सबसे पहले किस चीज का, तो खाना का। खाना कैसे मिलेगा, पैसा से मिलेगा। तो हम किसी भी राज्य में गए, वहां पर कंपनी में गए, कंपनी वाला से हम पहले कहे कि हमको कुछ पैसा दे दो, हम तुम्हारे पास ही काम करेंगे, तो पैसा वो दे दिया, साथ में हमसे शपथ ले, यानी कि पहले हम घर से निकाले गए, यानी कि अब देश घूमेंगे, यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ, ठीक है, यानी कि भारत में राज्य और संघ के बारे में बात किया गया। उसके बाद जब हम गए निकाले गए तो हमारा क्या हुआ, पैसा की जरूरत था, हम वेतन ले लिए कोई कंपनी से, वेतन ले लिए तो कंपनी वाला कहा कि ठीक है तुमको 5,000 रुपया दिए हैं, तब ये क्या गारंटी है तुम हमारा चुपचाप करोगे काम करके, तो वो बोला कि शपथ ले लो, मेरा आधार कार्ड जमा करवा लो, ठीक है, तो शपथ दिला दिया, शपथ दिला दिया, तो फिर क्या हुआ कि बोला कि ठीक है तुम अभी इस राज्य में आ गए, इस राज्य का कोई एक आईडी बनवा लो,
ठीक है, हम उस राज्य का आईडी बनवा लिए, यानी कि राज्यसभा चले गए। राज्यसभा चले गए तो कंपनी में जो लोग था वो एससी एसटी वाले लोग ज्यादा काम कर रहे थे महाराष्ट्र में, तो वो हमारा क्या हो गया, एससी एसटी पांचवा हो गया। हम बोले कि एससी एसटी वाले के साथ हम काम नहीं करेंगे, हमको फील्ड वर्क दे दो। तो बोला कि ठीक है, तुम इधर चारों राज्य मेरे पास कंट्रोल में है, वो चारों राज्य में जाओ, वहां घूम के आओ। तो वहां मेरे को भेज दिया असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अंदर। बोले ठीक है चले जाएंगे। उधर भेजा तो फिर वहां पर वो बोला कि जहां जहां जाओगे वहां से तुमको लाना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है बना देंगे। तो सूची बना दी, किसमें, सातवां नंबर में, सातवां सूची बना दिए। तब हमको वही राज्य में हमेशा बार बार जाना है, तो क्यों ना बेहतर होगा कि हम उस राज्य का भाषा सीख ले। तो हम भाषा सीख लिए। आठवां, भाषा सीख लिए तो हमको रहना भी वहीं पड़ेगा। तो नौवां, और नौ रहना वहीं पड़ेगा तो हो गया झगड़ा दोनों कंपनी को लेकर के, तो हमको दल बदल करने की परिस्थिति आ गई। दसवां, और दल बदल की परिस्थिति आ गई तो इस बीच में झगड़ा हो गया तो उसके लिए पंचायत बैठी गई। ग्यारहवां, और पंचायत में भी फैसला नहीं सुलझा तो ऊपर चला गया नगर पालिका के पास। बात क्लियर, कोई दिक्कत बताइएगा। सबसे पहले ये जगह लिख लीजिएगा, राज्यों का संघ ऐसे ही रेलगाड़ी बनाते जाइए, बोलिएगा आप लोग। दूसरा में वेतन, तीसरा में, चौथा में, राज्यसभा में सीटों की संख्या, पांचवा, नहीं पांचवा एससी एसटी, पांचवा में एससी एसटी, छठा में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, छठा में असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, और उसके बाद क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 सूची, मतलब समर्थी संघ और राज्य। ठीक है, सूची के बाद भाषा, भाषा के बाद क्या करेंगे, भाषा सीख जाएंगे तो जमीन खरीदेंगे ना, भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार कहेंगे पर संपत्ति दिया हुआ रहेगा। ठीक है, भूमि सुधार, जब भूमि ले लिए तो कहाँ पर स्थिति बन गया, दल बदलने का, दल बदल दसवा। ठीक है, दल बदल करेंगे तो क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा तो समझौता कौन करवाएगा, पंचायत करवाएगा, पंचायत से भी झगड़ा नहीं सुलझेगा तो कहाँ भेज देगा, नगर पालिका। ठीक है, ये हो गया आपका अनुसूची एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, खत्म। बना लीजिएगा ना, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। खत्म करें, छठा है असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम।